टीकमगढ़ शहर के वृंदावन तालाब में मिला एक व्यक्ति का शव। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। परिवारजनों ने हत्या का आरोप लगाया। टीकमगढ़ भरत नगर कॉलोनी निवासी ऋत्विक वंशांकर की वृंदावन तालाब में डूब जाने से मौत हो गई। परिवारजनों ने कहा कि ऋतिक सुबह 11 बजे घर से निकला था। जैसे ही पुलिस द्वारा घटना की सूचना दी गई, परिवार मौके पर पहुंचा। शव की पहचान की गई। बताया जाता है कि मृतक ऋतिक वंशकार के साथ उसके 3 दोस्त और भी थे, जिसके साथ ऋतिक गया हुआ था। पुलिस मामले की पूछताछ कर गहराई से छानबीन कर रही है। हमारा नाम सुरेंद्र। ये कौन थे आपके, क्या नाम था? इनका ऋतिक वंश, चाचा के लड़के थे छोटे। क्या नाम था? ऋतिक वंशकार। तो क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ 11 बजे से सर इसका घर से निकला और दो इन राहुल नामदेव के साथ था। हमने उधर देखा, ये गमी में गए थे ये लोग, मोहल्ले में गमी थी। दो 3 लोग थे जी, राहुल नामदेव और ये ऋतिक वंशकार, एक लड़का और था उसका नाम नहीं जानते सर। क्या गए सर, उसके बाद पता नहीं जी कहाँ ले गए, कहाँ नहीं ले गए। तो अभी पता चला, दुकान से आए हैं सर। क्या मालूम पड़ा? फोन आया मोहल्ले से कि किसी ने मार के फेंक दिया तले में। हाँ। क्या नाम आपका? हमारा अमूल नाम है। क्या हो गया आपके, आपका फोन? ये हमारा भतीजा है, हमसे संजले भाई का भतीजा है। ये कितने बजे निकला था घर से? घर से वही निकला होगा, वही 11:30 बजे घर से निकला। फिर हमको कोई पता नहीं, हमारे पास तो पुलिस वाले पहुँचे, कहले कि वो कोतवाली आ जाओ तुम। तो हम गए कोतवाली, तो हमने पूछा क्यों साहब, किस लिए बुलाया है? तो कहले यार ये 3 लोग आए हमारे पास और ये कह रहे तुम्हारा भतीजा हमारे साथ गया था उबातला में, 15-15 किलोमीटर दूर मिली और एक चप्पल यहाँ मिली। और उसके बाद मानने वालों के कपड़े फटे हुए थे। हमारे भतीजे अगर नहाने आता या कुछ करने आता तो उसके कपड़े उतारते, उसके ऊपर से ना कोई कपड़ा उतरा है ना कुछ, उसको तो सर में चोट है और उसको मारा गया। किसने मारा? क्या जे वो वहाँ थाने में है, 3 लोग हैं, उन 3 और उनके साथ होंगे, हमको क्या मालूम। लेकिन अभी वो 3 हैं थाने में और पुलिस वाले कोई कार्रवाई की नहीं सोच रहे हैं। हम कहते हैं तो पहचानते हो हैं जो थाने में, उनको पहचानते? हाँ पहचानते हैं हम। वो उनने बताया कि ये 3 लोग हैं, 3 लोग पकड़े गए, उनको बताने आया, उनको पहचानते हो तुम? हाँ पहचानते हैं हम, दो को पहचानते, एक तीसरे को नहीं पहचानते। नहीं कोई रंजिश नहीं। आज सूचना मिली थी कि एक लड़का ऋतिक, पिता मुकेश वंशकार, उम्र 21 साल, भगत नगर का, पानी में डूबा है, जिसको गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया, जिसके बस PM हेतु जिला अस्पताल में भेजा। आगे मार्ग जांच चल रही है। हाँ तालाब में अभी एक शव की सूचना हमें प्राप्त हुई थी, तो उसमें एक ऋतिक वंशकार करके लड़का है, तो उसकी हत्या का प्रकरण सामने आया है। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, तो हमने अपराध पंजीबद्ध कर इसको विवेचना में ले लिया है। जल्दी जो भी साक्ष्य विवेचना के दौरान आएंगे। किन धाराओं में सर मामला? इसमें 302 और 34 धारा में IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जैसी विवेचना में साक्ष्य तथ्यों के आधार पर आरोपियों का खुलासा कर दिया जाएगा, शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाएगी। टीकमगढ़ जिले से मनोज खरे की रिपोर्ट। CEN News, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।